आप सभी का स्वागत है KTCC क्लासेस में। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। और वीडियो देखने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है बस कि लाइक हो गया है। 5 है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही बताया है आपको। तो जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सॉरी यहाँ पर एच होगा। तो पहला होता है साइन कॉस टेन, फिर यहाँ पर क्या होता है कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं के हमें 6 की वैल्यू निकालनी है इसी से, ठीक है। सेक की तो हमें दे रखी है, तो 5 की निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो sec का पहले इसमें यहाँ से हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। sec का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, h अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, और h अपॉन b की वैल्यू हमें दे रखी है 13/12। अब देखो यहाँ से हमें सब कुछ गिवन होती है, बस आपको मेजर करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ से हमारा क्या पता चल गया, हाइपोटेनस कितनी है 13 है, बेस कितना है हमारा 12 है, और हमें हाइट निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालनी है ना। तो परपेंडिकुलर कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी, हाइपोटेनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम निकालना है। परपेंडिकुलर हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25। अब हमारी वैल्यू है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 25। पी की 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, ठीक है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो आ गया हमारा 5, ठीक है। अब हम एक एक करके सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो sec की हमारी तो पहले ही आ चुकी है, sin की निकालते हैं, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखेंगे पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, और हाइपोटेनस कितना है 13। तो ये हो गया हमारा 5/13 साइन थीटा। कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा क्या फॉर्मूला, बी अपॉन एच, तो बेस कितना है हमारा 12, देखिए बेस 12 है, हाइपोटेनस कितनी है हमारी 13, 12/13 हमारा आंसर आ गया। टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन बी, ठीक है, P/B, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, बेस कितना है हमारा 12, तो 5/12 हमारा आंसर इसका आ गया। अगली आइडेंटिटी क्या है हमारी, कॉसेक थीटा हम निकालते हैं, तो कॉसेक थीटा है H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप ये वाला क्वेश्चन भी जब एक बार समझा दिया गया है तो दोबारा बिना देखे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिना देखे भी एक बार करके जरूर देखिए। sec थीटा तो निकल चुका है, तो हम निकालते हैं cot थीटा कितनी वैल्यू है, B/P है, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है फॉर्मूला, तो बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, 12/5 इसका आंसर आ चुका है। तो यही थी हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इस वीडियो को भी आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।